बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, सऊदी अरब से खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जैसा कि आपको पता है जारी है। तो रियाद और दमाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की 2 परवाज़ों से मज़ीद 351 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक इतवार को दमाम से कराची जाने वाली परवाज़ से 141 जबकि रियाद से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज से 250 पाकिस्तानी वतन वापस गए हैं। और बयान में मजीद बताया गया है कि रियाद से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज से 3 मैयतें भी बेची गई हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 मई से अब तक रियाद और दमाम से चलाई जाने वाली 74 परवाजों से 14,349 जबकि इसी दौरान जद्दा और मदीना से रवाना होने वाली 64 परवाजों से तकरीबन 14,000 पाकिस्तानी गए हैं। सऊदी एयरलाइंस ने भी पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू की हैं। हर हफ्ते 4 से 5 फ्लाइट जा रही हैं, लेकिन इनका डाटा दस्तयाब नहीं है। याद रहे कि जून के वस्त तक कौंसलेट और सफारतखाना इन्हें हैंडल करता रहा है। इसी के बाद से खसूसी परवाजें ओपन कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक चूंकि फ्लाइट कम थी इसलिए लोगों को रजिस्टर किया गया था। और मजीद बताया गया है कि 16 जून के बाद से खसूसी परवाजों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रैवल एजेंटों के जरिए फरोख्त की जा रही हैं। अब टिकट के हासूल के लिए सफारतखाने या कौंसलेट आने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में इस वक्त हजारों पाकिस्तान वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीजे पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बायस वतन वापिस नहीं जा सके थे। कौंसलेट और सफारतखाने के जराए का कहना है कि वापसी के ख्वाहिशमंद ज्यादातर वही लोग हैं जो कम मुद्दत के वीजे पर ममलिकत में मौजूद थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। जैसे ही सऊदीया की कोई नई न्यूज़ आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये आप बहन और भाइयों का प्यार होता है। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, प्लीज़ बैड कमेंट ना किया करें, आपने अपनी ही ज़ुबान जो है वो ख़राब करनी होती है। और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका क्रूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।